हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बिरयानी मसाला की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे मैंने घर में बनाया है। और इससे ना बिरयानी का टेस्ट इतना अच्छा आता है ना, बहुत ही आसान है इसे बनाना, और इससे बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनती है, खुशबूदार बनती है। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक पैन में मैं 2 टेबल स्पून खड़े धना डाल दूँगी। इसके बाद 2 टीस्पून मैं इसमें जीरे डाल दूँगी। 30 से 35 में छोटी इलायची ले लूँगी, 5 से 6 बड़ी इलायची ले लूँगी। 2 टीस्पून लौंग ले ली है मैंने। 1 टेबल स्पून काली मिर्च ले लेंगे। 3 से 4 इंच दालचीनी के टुकड़े जो हैं उन्हें ले लेंगे हम। 3 मैंने जावित्री ले ली है, तो इसे मैं जो है इस तरीके से हाथ में लेके तोड़कर हम इसे इसमें डाल देंगे। खड़ी लाल मिर्च ले लूँगी मैं 7 से 8। तेज पत्ते भी हम 7 से 8 ले लेंगे, और बस इसे हल्का सा इस तरीके से तोड़कर और इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, इसके बाद 1 जायफल मैंने छोटे साइज का था मेरे पास, तो बस इसे भी मैंने तोड़कर और इसमें डाल दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम गैस को जो है चालू करके और बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे जो है हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। बस इस तरीके से जो है हम इसे चलाते हुए हल्का हल्का भून लेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर आप इसे भूनें, हमें बस जो है इसकी हल्की हल्की अच्छी खुशबू आने लगेगी आपको। तो ये देखिए, मैंने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर भून लिया है, 2 से 3 मिनट में ये भून जाएगा। इसके बाद ना मैंने इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डाल ली है, और इसे डालकर भी जो है ना हम हल्का हल्का भून लेंगे, बस 1 मिनट के लिए और भून लेंगे इसे। इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा बिरयानी में। तो बस ये मैंने गैस का फ्लेम जो है ऑफ़ कर दिया है, तो बस अभी से जो है ना हम एक दूसरे बर्तन में जो है ठंडा होने के लिए ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इन्हें जो है मसालों को अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद ही हम इसे पीसेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मसाले अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, तो बस इसे अभी मैं क्या है एक ग्राइंडर जार में डाल दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम जो है इस ग्राइंडर जार में इस सारे मसाले को डाल देंगे। तो ये देखिए, एक ही बार में ये सारा पिस जाएगा, तो मैं पूरा इसमें डाल देती हूँ और बस इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत ही आसानी से पिस जाता है ये, बस आपको ठंडा करके पीसना है मसालों को। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और बहुत ही बढ़िया हमारा जो है बिरयानी का मसाला बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हैं इसे, और इससे ना बिरयानी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बिरयानी की खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो फ्रेंड्स, आप इसे मसाले को जो है ज़रूर बना कर रखें, और आप 3 से 4 महीने से बहुत ही आसानी से जो है स्टोर करके रख सकते हैं। किसी अच्छे एयर टाइट डिब्बे में आप इसे रखें और अपनी बिरयानी का टेस्ट बढ़ाएं। तो चलिए, इसे मैं दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इस बिरयानी मसाले को ज़रूर बना कर रखें, और आप 1 किलो बिरयानी में ना 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाले का यूज़ करें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, बिरयानी मसाले की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।